हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मेरे पूरे परिवार को सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो। तो देखिए, मेरा दिन तो शुरू हो चुका है और सुबह उठते ही लग गई हूँ बच्चों को तैयार करने में। उधर दीदी बना रही हैं बच्चों के लिए नाश्ता, और बच्चों को अगर तैयार करो और एक को तैयार कर दो दूसरा रह जाए तो बच्चे ना रोने लगते हैं। तो देखिए, बच्चे तैयार होके खाना पीना खा के चल दिए हैं अपने सफ़र पे। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं, मैं आन्या को ज़रूर छोड़ने के लिए आती हूँ, क्योंकि पूरा दिन आम से दूर रहते हैं ना इसलिए। और मैंने ना सुबह ही ना लिया था, तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में मैं लग गई हूँ अपने पूजा पाठ में। और हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ता है, बच्चों को भी, पूजा भगवान को भी और घर को भी। तो देखिए, अभी मैं खाने की तैयारी में लग गई हूँ, और आज मैं बहुत ही स्पेशल सब्ज़ी बनाने के लिए जा रही हूँ, जो कि मैं पहली बार बना रही हूँ। तो मैं बनाने के लिए जा रही थी केले की सब्ज़ी, केले के कोफ्ते की सब्ज़ी। और देखिए, चाय मेरा इंतज़ार कर रही है, पतिदेव की भी चाय रखी है, वो तो अपनी चाय ले गए हैं। मैंने सोचा कि मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं चाय पी के, तब तक प्याज और लहसुन ही तैयार कर लेती हूं। तो फटाफट से मसाला पीसती हूं। आज मसाला है थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि जब ऐसी सब्ज़ियाँ बनती है ना, जैसे कि कोफ्ते वगैरह, तो इनमें मसाला थोड़ा सही से डाला जाता है, तभी टेस्ट आता है। तो जब तक मैंने प्याज लहसुन पीसा, तब तक देखिए केले जो हैं वो उबल चुके हैं। अभी जो इनका छिक्कल है ना, उनको अलग कर देते हैं। और केले ना अभी थोड़े से गर्म थे, तो मुझसे छीले भी नहीं जा रहे थे, लेकिन इस सब्ज़ी में लगता है थोड़ा सा टाइम। और पतिदेव के लिए ना, जब तक वो जाएं तब तक उनके लिए ये सब्ज़ी मुझे तैयार करनी थी, तो बहुत जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी। तो देखिए, सारे जो केले हैं वो मैंने छील लिए थे, और देख रहे हो मैं भरता कैसे कर रही हूँ, क्योंकि ना बहुत गर्म थे ना केले, इसलिए। तो इनको अच्छे से मैश करने के बाद इसमें छाना मैंने थोड़ा सा बेसन, ज़्यादा नहीं डालना है। और मसालों में मैं थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, काली मिर्च, लाल मिर्च, और ये धनिया पाउडर, नमक, और डाल रही हूँ गरम मसाला, जो कि सारे मसाले मिक्स रहते हैं। और जो हमने पेस्ट बनाया था उसमें से मैं 2 से 3 चम्मच डालूँगी, एकदम बड़े बड़े चम्मच। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी मैं, अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। तो देखिए, पेस्ट मैंने बना के तैयार करके रख दिया है, और तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तब तक सब्जी के लिए मसाला डाल लेते हैं। सेम मसाले पड़ेंगे, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, जैसे कि हल्दी 1 बड़ा चम्मच, 2 से 3 चम्मच धनिया पाउडर, मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और गर्म मसाला हम लोग बाद में डालेंगे, बाकी काली मिर्च मैंने डाल दी थी। तो अभी ये जो हमने रेडी किया था ना पेस्ट, मतलब कि बेसन का, इसको, इसकी ना छोटी छोटी हम लोग बॉल बनाएंगे, गोल गोल सी। और हमें ना तेल को ज़्यादा तेज़ भी गर्म नहीं करना है, वरना ये जाते ही कढ़ाई में जल जाएंगी। और जब तक हम बाकी के पकौड़े बनाएंगे ना, तब तक जो फर्स्ट पकौड़ी होगी ना, वो तो जली जाएगी, क्योंकि फर्स्ट पकौड़ी हम लोग एक साथ ही चलाते हैं ना। मुझे पता है कि हम लोग पहली पकौड़ी डालते हैं, उसके बाद जब सारी पकौड़ी कढ़ाई में डाल देते तभी हम लोग चलाना स्टार्ट करते हैं। इसलिए फ्लेम को इतना रखिएगा कि मतलब पकौड़ियाँ जल ना जाएँ। तो देखिए, इनको ना गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने सेका है, और कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ना। तो इसी तरीके से मैंने सारी की सारी बॉल जो हैं वो बना के और अच्छे से उनको सेक लिया है। तो सारी बॉल जो हैं वो बनकर रेडी हैं। अभी जो एक्स्ट्रा तेल है वो हम निकाल देंगे, और मैं इसी तेल में सब्जी बनाऊंगी। और इस वाली सब्जी में ना थोड़ा सही से तेल पड़ता है। अब आप लोग ये तो मत कहना बहुत तेल है, बहुत तेल है, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी हर किसी के घर का ना अपना अपना खान पीन होता है, किसी के यहाँ तेल मसाले बहुत खाए जाते हैं और कुछ लोग कम। और हम लोग ठाकुर हैं, तो हमारे यहाँ तो भाई तेल मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा खपता है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से दिख रहे थे हमारे बॉल, और देखिए मसाला जो है वो भुन रहा है। मसाले को जितना अच्छे से भूनोगे ना, उतना सब्जी में अच्छा टेस्ट आता है।
तो देखिए आटा भी लगा लेती हूँ फटाफट से मैं, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया है। इस सब्जी को बनने में पूरा 1 घंटा लगा था, जबकि मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी। बाकी मम्मी पूजा करने के लिए गई हुई थी और दीदी दूध निकालने के लिए गई हुई थी, तो सभी लोगों के पास काम रहते हैं, मैं खाना में लग जाती हूँ, तो आज थोड़ा सा टाइम तो लगा, लेकिन अभी सब्जी बनने के बाद पता चलेगा कि सबको कैसी लगी थी सब्जी। तो जब मसाला अच्छे से भुन गया था ना, तेल छोड़ दिया था, एकदम सूख सा गया था, मतलब बहुत अच्छे से भुन गया था, उसके बाद हमने बॉल डाली इसमें और मसाले में थोड़ी देर तक भूनी। उसके बाद इस पे डाल दिया है हमने पानी, पानी उतना ही डालिएगा जितनी देर मतलब पक जाए अच्छे से पानी, थोड़ी देर खौलाना है 5 से 10 मिनट, और तब तक मैं इनके लिए रोटियां सेक देती हूँ क्योंकि ये हो रहे हैं रेडी, और जब तक सब्जी खौलेगी तब तक रोटियां भी सेक के मैं तैयार कर दूंगी। तो भाई हमारी जो सब्जी है वो बिल्कुल बनने ही वाली है, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं इसको खोलते खोलते। और आज घर में कुछ अलग सी सब्जी बन रही है, रोज की सब्जियां खा के ना सब लोग बोर हो जाते हैं, डेली क्या लौकी तोरई आलू, लौकी तोरई आलू, तो ये चीज़ें ना बहुत बोर कर देती है। कुछ अलग सा अगर खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छे से पेट भर जाता है। तो देखिए हस्बैंड की जो थाली है वो मैंने लगा दी है और इनको दे दिया है मैंने खाना। अभी मैं बाकी की रोटियां भी बना लेती हूँ। तो देखिए सब्जी बनने के बाद कुछ ऐसी दिख रही थी, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है और खाने में भी अगर सच बताऊँ ना तो सबको इतनी अच्छी लगी, सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की। ये अपने ऑफिस में लेके गए तो सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि किसी चीज़ में इतनी मेहनत की है और सबको वो पसंद आ जाए ना, तो अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो देखिए सभी लोगों ने खाना पीना खा लिया था और मैंने भी खाना खा लिया था, क्योंकि कल मैंने व्रत रखा था तो आज मुझे भूख थोड़ी सी जल्दी लगाई थी, तो मैंने नहा धो तो चुकी ही थी, तो सभी लोगों ने खाना खा लिया था। और आज बर्तन मैं एक बार भी नहीं धुल पाई थी क्योंकि सब्जी में ही लगी रही थी, अगर बर्तन धुलने बैठ जाती तो ये लेट हो जाते। तो सारे बर्तन जो हैं सुबह चाय से लेके खाना खाने तक के ये बर्तन हैं, देख रहे हो आप लोग कितने सारे बर्तन हैं, पूरे के पूरे 2 डलिया भर के बर्तन हो गए थे। लेकिन मेरे लिए इतना कोई बड़ा काम है नहीं क्योंकि मेरी तो भाई आदत पड़ चुकी है, जिन लोगों की यहाँ छोटी सी फैमिली है ना उन लोगों को ये काम बहुत ज़्यादा लगता है। तो देखिए बातों ही बातों में जो भी बर्तन है ना वो सारे के सारे भाई धुल चुके हैं। तो आटा ना ख़त्म हो गया था, तो आ गए हैं मैं और दीदी दोनों लोग छत पे, गेहूँ हमने साफ़ किए, अभी इसको भर देते हैं बोरी में। और इस टाइम पे ना गेहूँ धुल तो सकते नहीं है क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है, तो ऐसे में तो गेहूँ धुलना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो देखिए सारे जो गेहूँ हैं वो हमने साफ़ कर दिए हैं, बाकी के जो पड़े हैं ना इसको नेक्स्ट टाइम में हम लोग साफ़ कर लेंगे, इनमें बहुत ज़्यादा भूसा होता है, तो इनको तो मैं फ़िलहाल भर देती हूँ और इधर साफ़ कर देती हूँ सारा कुछ। कभी कभी ना काम इतने सारे हो जाते हैं कि फुर्सत होते होते बहुत लेट हो जाते हैं, तो अभी देखिए अब जाके मैं सारे काम से फुर्सत हुई हूँ, तो अभी थोड़ा अपना भी लुक सही कर लेती हूँ क्योंकि काम करते करते ना हुलिया बिगड़ जाता है, साड़ी वाड़ी मतलब प्लेट्स वगैरह ना सब ऐसी हो जाती हैं। और ये शाम हो गई थी, शाम को देखिए कुंदरू और आलू की सब्जी बनी थी, तो दीदी के साथ मैं रोटियां बनवा रही थी, मैं बेल रही हूँ, दीदी सेक रही हैं। इस टाइम पे लाइट वगैरह की दिक्कत होती है ना तो जल्दी खाना बना लेते हैं, क्योंकि फिर अंधेरे में खाना बनाओ तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। और मैंने बताया ना आप लोगों को कि हमारे यहाँ लाइट की इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, अब देखिए सुबह के कपड़े पड़े हुए हैं, अब लाइट आई तो देखिए मैं अभी कपड़े निकाल रही हूँ क्योंकि पूरे दिन मशीन चलती है, अगर मशीन लगा लो तो इसीलिए ना मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़े थोड़े कपड़े हाथ से धुल लूँ, क्योंकि अगर लाइट अच्छी आए तो अच्छा भी लगता है, वरना पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक बीरबल की खिचड़ी जैसे कपड़े धुलते हैं। तो अभी लाइट चल रही थी, सोचा प्रेस भी कर लेती हूँ मैं कपड़ों में, क्योंकि कपड़े बहुत मुश्किल से सारे ख़त्म कर पाई हूँ, अगर अभी ढेर लगाए ना तो फिर आलस आ जाता है कपड़े प्रेस करने में।
कपड़े ज़्यादा तो नहीं हैं, इनके ऑफिस के कपड़े हैं, एक या दो शर्टें होंगी, बाकी आन्या की यूनिफॉर्म है जो भी मतलब रेगुलर डेली के डेली होते हैं। इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अगर लाइट चलती रही तो, क्योंकि कई बार अगर मैं प्रेस करने बैठ जाती हूँ लाइट चली जाती है फिर वो ऐसे ही ज़मीन में पड़े रहते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ये वाली साड़ी जो है ना ये मैंने पहनी थी, और ऐसी जो कॉटन सिल्क की साड़ियाँ होती हैं ना इन्हें बिना प्रेस करे पहनो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, तो मैंने सोचा कि इसमें भी प्रेस कर ही देती हूँ। इन दिनों मेरी बिंदी छूट जाती है, ज़्यादा देर तक रहती नहीं है माथे पे, क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है ना इसलिए। एक्चुअली मैं साड़ी में प्रेस कर रही थी, पूरी हुई भी नहीं है प्रेस, मैं आ गई छोड़ के। मेरे इस वाले हाथ में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, कभी कभी ना मेरे अचानक से इस वाले हाथ में दर्द होने लगता है, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मेरा मन ही नहीं किया कि मैं प्रेस करूँ, तो अभी छोड़ दिया मैंने। टाइम भी हो गया, 10 बज चुके हैं, नींद भी आ रही है मुझे। तो वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।